आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीना नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल रीना एंड फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज के मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से, और अभी हम बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे नाश्ता करने के लिए। आज मम्मी ने मेरे लिए स्पेशली बनाया है आलू के पराठे और चटनी। रिद्धु ने तो कर लिया नाश्ता, और यहाँ पे मूसी कर रही है नाश्ता, और नानी जी को धूप में ही खा रहे हैं। पापा तो बाहर गए हुए हैं, अभी आएंगे। रिद्धु मत कर, चलो पहले एक बार फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मुझे आज मीनाक्षी के घर पे भी जाना है उससे मिलने, उसके बाद नहा धो के वहाँ निकलेंगे। तो ये लगा लिया है मेरे लिए मम्मी ने नाश्ता, आलू के पराठे, चटनी और दूध। तो चलो फटाफट से नाश्ता करते हैं। घेरना मत, तूने उसको परेशान कर दिया। मौसी को नहीं खिला रहा तो बिस्किट ना कर देख। ले पकड़ इसको, कौन है ये? बोल गुगुती बचूती, बोल गुगुती बचूती, बोल हादी हादी ये हादी आप बोलो को सब बोल। अब बोल गुगुती। हाँ अब मैं मीनाक्षी के घर जाने के लिए हो गई हूँ, तो यार नहा गई मैं, और यहाँ पे ये मूसी चिप्स खा रही है, और रिद्धु भी, इसके नाना जी बाहर गए थे तो इसके लिए चिप्स लेके आए दोनों के लिए, तो वो खा रहे हैं। तो अब जाऊँगी मैं मीनाक्षी के घर पे, और मम्मी मीनाक्षी के घर के लिए रखते हैं आज से जो नानी जी ने लाए थे, और संतरे। चलो चलती हूँ मीनाक्षी के घर पर, मिलूँगी सीधा वहीं पर। अभी आ गई हूँ मैं मीनाक्षी के घर पर, और ये कर रही है नाश्ता, ये भी कर लिया आए दिन में। और उधर बैठे हैं जीजा जी और सिब्बू, वो फोन में लगे हुए हैं। हेलो बॉयज, हेलो गर्ल्स, बॉयज हेलो बॉयज है, हेलो गर्ल्स, हेलो गर्ल्स, हेलो बॉयज और गर्ल्स। और बड़ी जी है अंदर, तो अभी वहाँ कोई गेस्ट आ रखे, मैं उनसे बाद में मिलाऊंगी। और ये नाश्ता कर रही है, तो सब नाश्ता करने देते हैं और मैं चाय पी लेती हूँ। और यह है शंकर चलो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे थोड़ी देर में। अभी बैठे हैं हम धूप में, मीनू गई थी नहाने के लिए, यहाँ पे बैठा मेरे साथ सिब्बू, उधर बड़ी जी खड़ी हो रखी हैं, यहाँ पे मीनाक्षी के बूढ़ा बूढ़ी जी, बूढ़े बूढ़ा बूढ़ी जी आ रखे हैं, तो उनके साथ गप लगा रही है मीनाक्षी। तो अंदर चले गई, तो चलो हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है वो अंदर। तो अभी मीनाक्षी आ गई नहा के, और अब ये नई नई नवी नई नवेली दुल्हन बन रही है, यहाँ पे अपना मेकअप किट खोल के सज रही है। तो चलो ये तैयार हो जाए, उसके बाद दिन का खाना भी करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे आंटी जी खाना भी लेके आ गए, और इसका मेकअप ही नहीं हुआ। भयंकर की यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री वो कर रहा, वेरी व्लॉग में आ रहा है, दिन में भयंकर की 20 डिग्री हो रहा, रात को भयंकर 30 डिग्री। तो यहाँ पे बना रही है मीनू चाय सबके लिए, नहीं नहीं बोली मुझे लाइटर नहीं मिल रहा यार, ये अरे लखवाल है। तो इसके हाथ की चाय पियेंगे, फिर मैं भी निकलती हूँ घर के लिए। मुझे अभी भी गिफ्ट मिला है डायमंड रिंग तो यहाँ पे मीनू हमारे बना रही है स्पेशल चाय, जो वो जब दार्जिलिंग गई थी जिया जी के साथ लेके आई थी। ये कितने का? ये गोल्डन टिप्स से 600 रुपए का डब्बा इसमें किसे तीन डब्बे थे, जिसमें कि सिर्फ तीन डब्बे हैं, और वो भी इतना इतनी छोटी छोटी चाय पत्तियां हैं मैं मुझे रे देखना कैसी होती है चाय स्पेशल वाली। अभी मीनाक्षी ने माले बनाती है चाय मसाले वाली, तो अच्छी हो रही। अब हम मीनाक्षी की शादी की फोटोज हैं जो उन्हें देखेंगे लैपटॉप पे, उस सिलेक्शन के लिए आ रही थी उसके पास। तो चलो एक बार देखते हैं, उसके बाद मैं भी निकलूंगी घर के लिए। और ये अपने डेज के लिए चाय खत्म हो गई, सबको देते देते। यहाँ पे बड़ा जी आ गए, सब बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए। तेरा ब्लॉग चैनल ब्लॉग नहीं ब्लॉग, यहाँ पे
और यहाँ पे हम मीनाक्षी की शादी की फोटोज देख रहे हैं मीनू के लैपटॉप में। सारी फोटो है, फोटो भी देखा, सौ है क्या, पूरी सारी देख मीनू के मध्य पैसे मुझे दे दे पैसे मिला जब इसमें ज्यादा वो हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे मतलब जुड़ जाएंगे और काफी जुड़ वाले बाबा अब 340 संध्या चाची भी देख रही थी एक दिन ब्लॉग अभी तो बिना सब्सक्राइब। तो अब मैं जा रही हूँ मीनाक्षी और के घर से वापस खाना तो घर के लिए। अच्छा बाटी जी चलती हूँ तो मैं बताती हूँ ना बताती नहीं आना ना। हाँ मतलब आऊंगी ठीक है चलो मैं जी जा रही हूँ जा रहे क्या हाँ तब मैं तब देखती हूँ कल आऊंगी शायद ठीक है ओके तो कल के लिए आ गई मैं घर पे और यहाँ पे नानी बैठ रही थी मूसी बैठ रही थी तो सो रखा और अब मैं जा रही हूँ पापा के साथ थोड़ा मियाँ वाला मेरी मौसी है जप्पू सुमासू उन्होंने सामान दे रखा तो चलो चलते हैं उसके बाद घर आएंगे। पापा जी ने ले लिया है वापस से सामान जिसको लेने हम आए हुए थे और मौसी के लिए कुछ सामान भेजना था तो वो भी भेज रहे हैं। मैं और पापा आ गए मियाँ वाले से भी सामान लेके यहाँ पे पापा और मैं करा रहे हैं पिज़्ज़ा घर लेके जाने के लिए पैक बेक एंड वुड में तो चलो एक बार पिज़्ज़ा पैक करा के कराते हैं उसके बाद घर जाके ही खाएंगे उसे। मैं और पापा आ गए हैं अभी घर और ये दे दो पिज़्ज़ा खाने लग गया यहाँ पे सो रखा था अभी उठा तो नानी जी के लिए भी ला के हम नानी जी पिज़्ज़ा नहीं खाती तो उनके लिए चाउमिन देंगे तो उनके लिए चाउमिन ला के तो मम्मी देगी अभी सबके लिए चलो एक बार खा लेते हैं उसके बाद मम्मी रात का खाना भी बना देगी। फिर तो ये क्या कर रही है ऐसा कर ऐसा कर तो अभी हम लोग का रात का खाना भी बन गया है। पिज्जा खाने के बाद मम्मी ने सब दाल बनाई थी और मैंने आटा गूंथ के रोटियां बनाई। आज मम्मी ने घर की तोर की दाल बना रही थी और पापा जी ऊपर खाना खा रहे हैं वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे। मेरे को तो नीचे यहाँ पे ही आता है ठीक बैठने में तो ये मूसी भी मेरे साथ ही खा रही है नानी बाहर खा रही है खाना तो एक बार हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद रात के बर्तन धुलेंगे। और डॉल रिदू को भी दिया था खाने के लिए पर वो इधर उधर भाग रहा है तो चलो खाना खा लेते हैं एक बार खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद आराम करेंगे बर्तन धुलन धो के। और हम लोग का हो गया है रात का खाना भी और बर्तन भी धुल गया है मैंने यहाँ पे रहे तो सो ही नहीं रहा इसको कितना सुलाने की कोशिश करें। और नानी और मूसी तो अपने कमरे में सो गए पापा भी उधर सो गए हमारा डॉलर भी यहाँ पे सोया हुआ है इसे पैक कर दिया रोज के जैसे तो अब हम लोग भी सोएंगे मैं मम्मी और रिदू और इसको भी देखती हूँ कब तक नींद आती है। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद बोलो थैंक यू बाय कर दो बाय कंफ्यूज हो गया क्या करूं।